अरे मोटी क्या कर रही है? पिज्जा पिज्जा खा रहे लिए महाराष्ट्र मुलगी। हे गाइस, दिस इज माइकल और वरुण। आपका भाई आज बॉक्स के अंदर बंद हो गया क्योंकि आपका भाई हो रहा है मूव। सो मूव होना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, सो लेट्स मूव। तो हे गाइस, सबसे पहले इस बॉक्स को निकालते हैं। Amazon का बॉक्स बहुत काम आ रहे हैं हमारे क्योंकि हम हो रहे हैं मूव। यस, सो गाइस, इस घर में हमें हो गए हैं ऑलमोस्ट 4 years। व्हेन आई केम टू बैंगलोर आई वाज नथिंग, एंड यू नो बैंगलोर में मैं जब आया मेरे पास जॉब तक नहीं थी, एंड आज आई एम एबल टू स्टैंड अप टू अ पोजीशन वेयर आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, यू नो ब्यूटीफुल लाइफ आई कैन से, एंड ऑल बिकॉज ऑफ माय हार्ड वर्क, माय यू नो डेडिकेशन एंड एवरीथिंग। सो ये जितना भी सामान है वहाँ देख रहे हो आप, बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हैं, एंड ये सब रिसेंटली ऑर्डर किए हुए अमेजोन बॉक्सेस हैं मेरे। दीज बॉक्सेस, ये मेरा आरओ का बॉक्स है, गीजर, कूलर, देन दैट इज माय कंप्यूटर चेयर, उसका बॉक्स है। सो पूरा घर हमें करना है पैक। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन वी हैव ऑल द नेसेसरी थिंग्स टू पैक एवरीथिंग। मूवर्स एंड पैकर्स भी होगा, लेकिन वो होगा इन द एंड फॉर द बिगर फर्नीचर, बिगर थिंग्स इन द हाउस। So guys, वो था मेरा वाइफ का बैग। वाइफ के सारे कपड़े हो गए हैं पैक। मेरे लिए ये छोटा सा बैग काफ़ी है जो मैं जापान से लेके आया था अपने लिए, एंड कपड़ों से ज़्यादा आपके भाई के पास, बाइकर भाई के पास है बाइकिंग गियर्स। सो बाइकिंग गियर्स को मैं कैसे लेके जाऊँगा? राइनॉक्स के गियर्स हैं बहुत सारे, तो राइनॉक्स के गियर्स कवर्स के साथ आते हैं मोस्टली। सो राइनॉक्स के गियर्स, ऑल दोज पैंट्स, जैकेट्स, एवरीथिंग विल गो इन देयर कवर। फिर बाद में उसको एक बड़ा सा चादर लेके उसके अंदर डाल के गाड़ी में लेके जाएंगे। एंड अभी मेरे बचे हुए कपड़े जो मैं घर में डालता हूँ, छोटे मोटे कपड़े, इसके अंदर डालते हैं। सो गाइस, लेट्स गो इनसाइड माय रूम। यस, दिस इज माय रूम। एज यू कैन सी, बेड वेड सब फोल्ड कर दिया है अभी। एंड इफ आई टेल यू, इस गरीब के पास सिर्फ इतने कपड़े हैं अगर आपको दिख रहा है कैमरे के अंदर। सो ये यहाँ पे मेरी ऑफिस की शर्ट्स और जीन्स हैं, और ऊपर सब मेरी यू नो छोटी मोटी पहनने वाली टी शर्ट्स हैं। सो अब इन सारे कपड़ों को आई थिंक मैं मैनेज कर पाऊंगा इस बॉक्स के अंदर, बॉक्स नहीं टैची के अंदर। एंड बाकी ये वाली साइड जो है अलमीरा की, वाइफ ने ऑलरेडी खाली कर दी है, और इसके अंदर थोड़े से कपड़े हैं जो शायद हम लोग किसी गरीब को दे देंगे, या यू नो बहुत सालों से अब हम इतने मोटे हो चुके हैं, आपका भाई इतना मोटा हो चुका है कि वो बातें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, विल फाइंड समबडी हु फिट्स इन दोज क्लोथ्स। मेहनत का फल गाइज, पैकिंग चालू है, जोरों पे चालू है, चालू है, चालू है। एंड यस, अभी आपके भाई ने ऑर्डर किया है डोसा, विच इज मसाला डोसा एंड इडली विद कोकोनट चटनी एंड सांबर, और मैडम जी ने किया है रवा डोसा, इडली एंड सेम साइड डिशेस। तो बहुत थक गए गाइज, ट्रैवलिंग शायद ज़्यादा आसान है, लेकिन हाउस शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों पल्लवी जी? मैडम जी, अगर मैडम जी नहीं होती तो शिफ्टिंग और ज़्यादा मुश्किल हो जाती, क्योंकि लड़कियों का दिमाग थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता होगा शायद, और वो हर चीज़ को साफ कर करके रख रही है अंदर, जबकि मैं क्या है उसको डंप कर दो बक्सों के अंदर। लेकिन नहीं, मैडम जी को चाहिए एकदम प्रॉपर क्लीन एवरीथिंग, क्योंकि जब नए घर में जा रहे हैं तो सब कुछ क्लीन होना चाहिए। सो थैंक्स टू मैडम जी, मैडम जी आपकी भाभी जी पल्लवी जी। तो गाइज, इसके बाद हमारा जो मेन काम बचा है वो है मेरा कैमरा गियर्स, कैमरे की एक्सेसरीज, जो फाइनल मूवमेंट होगा जिस दिन, उस दिन मैं उस बैग को लेके जाऊंगा बाइक के ऊपर, क्योंकि मैं अपने कैमरास को अपने साथ रखना चाहता हूं, अपने लैपटॉप को, तो वो सब आएगा मेरे इस कैमरा बैग के अंदर। सो ये जाएगा फाइनल डे, अभी तक इसको पैक नहीं किया है, लेकिन ये जितनी भी एक्सेसरीज है इनको हम एक बार क्लीन करेंगे और डालेंगे एक डब्बे के अंदर, ताकि पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद दिमाग चलेगा, अभी दिमाग नहीं चल रहा है, तो सी यू इन अ व्हाइल। सो गाइस, खाना पीना हो गया है, एंड फाइनली लेट मी टेक यू टू माय बाइकिंग रूम। इसको मैंने थोड़े दिन पहले ही ऑर्गेनाइज किया था, यहाँ पे एक बेड ला के रखा, क्योंकि कभी कभी मेरे फ्रेंड्स आते हैं, दे स्टे बैक, तो मैंने उनके लिए एक छोटा सा गेस्ट रूम बनाया था। एंड आई हैव ऑल दीज टायर्स, मेरे पुराने टायर्स यहाँ पे पड़े हैं। ये मेरा सबसे लास्ट वाला टायर है, ये सबसे पहले वाला टायर है, यानी कि ब्रिजस्टोन, उसके बैक एंड फ्रंट टायर्स। एंड आई हैव सो मेनी डब्बाज हियर, बाइक गियर्स, ये ऑल, दीज आर ऑल द थिंग्स यू नो विच आई रिमूव्ड फ्रॉम माई बाइक, मेरा बैश प्लेट, और ये पाइप प्रोटेक्शन,
और ये ऊपर से जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा होगा ये है मेरा टैंक का लिड, इसके ऊपर मेरा ये वाला टैंक बैग जाता था जीविका। सो टू समराइज अभी क्या करूंगा मैं, ये मेरा हेप्को बेकर का ड्राई बैग है, इसके अंदर भी थोड़ा बाइकिंग का सामान है, मोस्टली इनर्स हैं, रेन गियर्स हैं एंड ऑल द स्टफ। तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पैनियर्स और मेरे टॉप बॉक्सेस के अंदर मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान हो सकता है उसको भर दूंगा, क्योंकि माई पैनियर्स आर ऑल्सो कॉल काइंड ऑफ माई ब्रीफ केस, क्योंकि उसके ऊपर हैंडल लग जाता है तो उसको इजिली हम उठा सकते हैं, और फाइनली जब मैं उसको मूव करूंगा तो मैं बाइक में लगा के लेके जाऊंगा साथ में, ज़्यादा हैवी भी नहीं होगा और ऑर्गेनाइज हो जाएगा। सो गाइस दिस रूम आई एम नॉट टेकिंग दिस दिस बेड विद मी, और ये जो मेरे जैकेट्स हैं एज यू कैन सी ऑल दीज जैकेट्स, टू पैंट्स, 1 2 3 4 5 जैकेट्स, मेरे ब्लेजर्स, ये सब चीज़ें जाएंगी मेरे साथ। सो गाइस फाइनल डे से पहले मैं आपको एक स्टेटस अपडेट दे देता हूँ कि आज मैंने सारे कपड़े अपने उन बैग्स के अंदर ऑलरेडी पैक कर दिए, आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा बैग वहाँ पे, उसके अंदर भी मेरे कपड़े हैं। सो एलमीरा वार्डरोब सब खाली हो चुका है, और दूसरा ये जो ऊपर जेठालाल देख रहा हूँ मैं, सो जेठालाल को इग्नोर करो, तो ये जो है मेरे कैमरा के गेयर्स, एक्सेसरीज, एवरीथिंग आर नाउ इन दोज बैग्स, और जो एक्सेसरीज हैं, वायर्स हैं, वो सब उस कार्डबोर्ड के अंदर डाल दिया मैंने। फाइनल डे पे यू नो अभी तो 20 तारीख है, ये ब्लॉग आपको बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन फाइनल डे पे विल बी मूविंग द टीवी, द बिग फर्नीचर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो अभी हमें नेक्स्ट वीकेंड यानी कि 25th और 26th को आपको मिलेगा एक अपार्टमेंट का स्नीक पीक, कहाँ जा रहा हूँ मैं। थोड़े दिन पहले इंस्टा पे मैंने स्टोरी भी डाली थी, और अगर आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो जस्ट फॉलो ऑन इंस्टाग्राम टू यू नो बी अवेयर ऑफ माई लाइफ स्टाइल, एंड नई जगह पे जाने के बाद नई लाइफ आपके साथ और ज़्यादा शेयर करेंगे। तो येस मोस्ट ऑफ द थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स आर पैक्ड, अभी किचन पैक करना है, एंड सी यू, क्योंकि हम शिफ्ट करेंगे एक कार के अंदर, तो आपको दिखाते हैं कौन सी कार चला रहा हूँ मैं, और मेरे साथ होंगे मेरे विपिन भाई जिनको आपने बहुत बार देखा है इन माय प्रीवियस फ्यू व्लॉग्स। सो यस लेट्स गेट यू इनसाइड द कार। हे गाइस टुडे इज 26 और आपका भाई जा रहा है उस गाड़ी के अंदर अपना घर शिफ्ट करने। तो यस वी हैव अ लवली लेंसर हेयर फ्रॉम जापान, एंड आज मेरा दोस्त भी शिफ्ट कर रहा है, तो वी बोथ आर शिफ्टिंग टुगेदर इन अ न्यू हाउस विच वॉज अ सरप्राइज फॉर यू गाइज। बहुत दिनों से मैं इसको स्टोरीज में नहीं डाल रहा हूँ, हालांकि बहुत सारी पैकिंग चल रही है, बहुत सारी मेहनत चल रही है सबके पीछे। तो वी हैव टू कार्स, अपने दोस्त के घर आया हूँ, थोड़ा सा सामान उसकी गाड़ी में है, थोड़ा सा सामान इस गाड़ी में है, एंड वी गॉट अ शिफ्ट एंड शो यू द जर्नी ऑफ शिफ्टिंग टू अ अमेजिंग फ्लैट विच इज अ सरप्राइज फॉर यू। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि लेंसर में आया था, अभी स्कोडा कहाँ से आ गई। तो यस मैं आया था लेंसर में, पहले यहाँ पे उसको पार्क किया, फिर विपिन भाई का सामान अनलोड किया, फिर उसको अपार्टमेंट में डाला, फिर उसके बाद फाइनली अपने घर गया और सामान लेके आया हूँ थोड़ा सा। और ये है मेरा नया अपार्टमेंट, एज यू कैन सी माई न्यू सोसाइटी वेयर आई एम गोइंग टू लिव नाउ। इसको एक कमरे से अभी मकान बना रहे हैं, और ऊपर जाके आपको दिखाते हैं घर अंदर से कैसा दिखता है, थोड़ा बड़ा सामान उसको यू नो शिफ्ट करते हैं, और उसके साथ साथ अब तो यहाँ पे बहुत सारी जगह है व्लॉग्स वगैरह बनाने के लिए, और एक अच्छी जगह पे मूव होने के बहुत सारे फ़ायदे ये है कि यहाँ पे बहुत सारी एम्यूनिटीज़ मिल गई हमें। सो अभी बात नहीं करेंगे, बाकी व्लॉग्स अब चलते रहेंगे। सबसे पहले ऊपर चलते हैं, घर का थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा मैं आपको, उसके बाद आप बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आप सबको। ओह गाइस इसको पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हुआ क्या, मैं अपना सामान लेके आया लेकिन विदाउट बीवी, जिसने अभी कैमरा पकड़ा हुआ है, उसके बिना घर को मैनेज करना, घर को क्लीन करना, और वो ऑर्डर्स की आदत नहीं है ना बिना ऑर्डर के काम करने की, तो मैडम को मैं साथ लेके आया, अभी कैमरे के पीछे है मैडम, और घर पूरा साफ किया, और दिस द एरिया एक्चुअली यहाँ पे ड्राइव इन एरिया है, गो फ्रॉम दैट साइड कम बैक कम आउट फ्रॉम दिस साइड, यहाँ पे वॉकिंग एरिया है, आई कैन शो यू दिस साइड, दिस इज द वॉकिंग एरिया एंड दैट साइड इज द स्विमिंग एरिया, द पीछे स्विमिंग पूल है, आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, यहाँ का चप्पा चप्पा दिखाऊंगा। तो अभी मैडम के साथ
थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह करते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ का वॉकिंग एरिया कैसा है, जहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ आवर इवनिंग्स स्पेंड करने वाला हूँ आज के जाने के बाद। सो मैडम को भी देख लो, शी इज जस्ट हाइडिंग बिहाइंड। कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। मस्त लग रहा है क्या? मस्त लग रहा है सब कुछ। इसको मैं हमेशा पूछता रहता हूँ क्या मस्त लग रहा है। तो या दिस इज द एरिया एंड दिस इज द वॉक वे वे वी गोना गो नाउ एंड सून दिस विल बी अवर होम। अभी तो स्टिल लॉट ऑफ स्टफ इज येट टू कम। अभी जो हमारा व्हाट यू से मूवर्स एंड पैकर्स इज प्लान्ड ऑन 30th। सो मूवर्स एंड पैकर्स के आने के बाद वी गोना हैव लॉट ऑफ फन हियर। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने अपार्टमेंट के अंदर, थोड़ी सी झलकियाँ सनसेट देखेंगे मेरी बालकनी से, फर्स्ट सनसेट ऑफ माई न्यू हाउस। सो फाइनली आई एम इन माई अपार्टमेंट, नियर माई अपार्टमेंट। ये है आपका भाई का नया अपार्टमेंट, वेरी क्लोज टू द लिफ्ट एंड गणेश जी ऑन द डोर। सो दिस इज अ स्मॉल स्नीक पीक ऑफ माई हाउस। अभी यहाँ पे वॉइस एको हो रहा होगा, लेकिन बहुत मेहनत से पूरा अपार्टमेंट क्लीन कर दिया है एंड बहुत जल्दी यहाँ पे हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं। वहाँ पे सब बुक्कड़ लोग खा रहे हैं, हम लोग ने खा के हो गया है। एंड स्मॉल स्मॉल थिंग्स लाइक RO इज गेटिंग रेडी, क्योंकि यहाँ पे पीने के लिए पानी चाहिए। पानी है, अनलिमिटेड पानी है, बट अगेन वी प्रेफर RO वाटर। एंड दिस इज द हाउस। अभी एको हो रहा होगा, एको के वजह से यू नो वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन छोटा स्नीक पीक ऐसा आपको दिख रहा है। सामान ला के रख दिया है, हो जाएगा अब ये कमरों को घर बना देंगे हम एक साथ मिलके। और यहाँ पे आने वाले बहुत सारे ब्यूटीफुल वीडियोस, जैसे कि आप बाहर देख सकते हो मेरी गैलरी से एक अमेजिंग सनसेट दिख रहा है, हल्की हल्की धूप यहाँ पे पड़ रही है, किचन से भी मस्त सनसेट दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे बनाएंगे हम आगे के फ्यूचर सारे ब्लॉग्स, यहाँ पे मूव होते हैं, घर को सजाते हैं और आपसे मिलते हैं इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय एंड लिव हैप्पी।